बहुत बहुत स्वागत है आपका मैन मेड मटेरियल के आज क्लास थर्ड कह लें या यूं समझ लें मैन मेड मटेरियल के पार्ट थर्ड। रबर है आज हमारा विषय। इसे पीछे हम रेसा और प्लास्टिक को देख चुके हैं और आज आपके बीच में हम रबर के साथ उपस्थित हैं। रबर कहीं भी देख कहीं भी हम हो किसी न किसी रूप में रबर मिल ही जाता है और बहुतों बार हमने रबर को देखा। रबर के वृक्ष भी होते हैं, खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में जो समुद्र के तटीय क्षेत्र पर होते हैं वहां रबर के वृक्ष पाए जाते हैं। नारियल जैसे हमने देखा होगा उसी की कुछ प्रजाति है और इसको हम लोग जिस तरह से कलम उलम लगा करके रोपा जाता है उसी प्रकार से इसे रोपा जाता है, इसलिए कृषि वृक्ष के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो रबर का जो पेड़ होता है उससे रबर भी प्राप्त होता है और कृत्रिम ढंग से भी रबर प्राप्त होता है। कैसे कैसे रबर मिलता है, कृत्रिम ढंग से कैसे मिलता है, पेड़ से कैसे मिलता है, इसको हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये एक वाक्य में हमसे पूछा जाए रबर क्या है, तो रबर एक बहुलक है, यानी ढेर सारे अणु मिलकर एक अणु का निर्माण किए। रबर भी एक बहुलक है, केका बहुलक है। अब यही हमें समझना है, रबर को दो पार्ट से बांटते हैं, प्राकृतिक रबर, संश्लिष्ट। प्राकृतिक संश्लिष्ट नहीं, संश्लिष्ट मतलब कृत्रिम, जो मानव द्वारा निर्मित है, संश्लिष्ट प्राकृतिक रबर, नेचुरल सिंथेटिक। पहले हम प्राकृतिक रबर को देखते हैं। जैसा हमने जिक्र किया कि रबर किसी खास जाति के पौधे के दूध से प्राप्त होता है। तार के पेड़ में, खजूर के पेड़ में हमने देखा होगा रस निकालते हुए जिस प्रकार से, उसी तरीके से एक रस निकाला जाता है हंसुआ से, तेज धार वाले औजार से, तना में छिद्र करके, तना को काट काट करके रस निकाला जाता है। कस्य वृक्ष से ये जो रस आता है इसको कहते हैं लैटेक्स। हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक रबर, इसे लैटेक्स बोलते हैं। इसमें 30-40% तक रबर रहता है, शेष जो बच गए 60-70% वह कुछ दूसरे पदार्थ होंगे, लेकिन 30-40% तक रबर होता है। अब इससे भी रबर ज्ञात करने हेतु हमको ये 30% से 40% को होल्ड तो करता है लेकिन देगा नहीं हमको, हमें इसे और पतला करना पड़ता है। कितना पतला करना पड़ता है, यानी पहले तो ध्यान में रखेंगे पेड़ से आया लैटेक्स, लैटेक्स को हम थोड़ा पतला किए, डायलूट किए, पानी मिला करके डायलूट कीजिए। कितना डायलूट कीजिए कि इसमें रबर की मात्रा रह जाए 12% से 20%। बहुत ध्यान में रखना है, यानी पहले लैटेक्स आया, लैटेक्स में पानी मिला है 12% से 20% जब हो जाएगा हमारा उसमें रबर, तो उसमें तब इसमें डालना है हमको 1% सांद्रता वाला एसिटिक एसिड, डालना एसिटिक एसिड CH3COOH। जब हम ऐसा करते हैं तो जैसे छाली को आप ऊपर उठते देखते हैं उसी तरीके से यहां स्कंदन शुरू होता है, स्कंदित होकर रबर बनता है, यही रबर कहलाता है प्राकृतिक रबर, जो दरअसल आइसोप्रीन का बहुलक है। हमसे पूछा जाए प्राकृतिक रबर क्या है, यह आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन का मोलेकुलर फॉर्मूला C5H8। स्ट्रक्चर देखिए, अनुभार 12-5-60-68 अनुभार है इसका, और इसकी इसका जो अनुशक है C5H8 है। हमसे पूछा जाए प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। यह प्राप्त कैसे होता है, तो किसी खास विशिष्ट जाति के पौधों के तनाव में छित्र कर जब रस को उसका इकट्ठा किया जाता है, उससे जो रस स्रावित होता है उसको इकट्ठा करते हैं, उस रस को लैटेक्स कहते हैं। इसमें 30-40% रबर होता है, उसे थोड़ा और पतला बनाते हैं, नहीं डायलूट करते हैं, 10-12% से 20% तक उसमें जब हो जाए तब उसमें 1% सांद्रता वाला एसिटिक एसिड डालते हैं,
तो रबर प्राकृतिक स्कंदित हो जाता है और वो हमारा कहलाता है नेचुरल रबर। रबर के पौधों की बात अगर हम करेंगे तो रबर के वृक्ष भारत में भी मिलते, दक्षिण भारतीय राज्य जो है केरल है, तमिलनाडु है, समुद्र के किनारे आप रबर के वृक्ष देख सकते हैं। जिक्र किया है खजूर, नारियल, जिस तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद पत्ता दिन जिस प्रकार से उनमें होता है, कुछ इसी तरीके का इसमें भी होता है। लेकिन रबर के उत्पादन के दृष्टिकोण से श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया ये सब ज्यादा प्रसिद्ध है प्राकृतिक रबर से। बात हो प्रकृति के द्वारा दिए गए सौगातों से मनुष्य वक्त अगर संतुष्ट नहीं होता तो खोज बहुत नहीं होते, लेकिन खोज की बात की जाए तो रबर तो वैश्विक स्तर पर बहुत उत्पादन होता है और हम नहीं कह सकते कि रबर के उत्पादन में अब श्रीलंका आगे है या इंडोनेशिया आगे है। हमने केवल प्राकृतिक रबर की बात की, अब कृत्रिम रबर संश्लिष्ट रबर की बात हो तो संश्लिष्ट रबर कैसे मिलता है, तो स्वाभाविक है प्रकृति की ही सौगात से, उसी को तो प्रकृति ने दिया है। उससे थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका और हम अपना रूप में इसको कैसे परिमार्जित कर सकते हैं, कैसे इसे अधिक उपयोगी बना सकते हैं, कैसे उसको अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैथ्यूज और हैरिस नाम के दो व्यक्ति थे, दोनों ने 1910 ईस्वी में बहुत प्रयोग किए। किसके साथ प्रयोग किया, यानी आइसोप्रीन के साथ। आइसोप्रीन के साथ दूसरे रासायनिक पदार्थों को मिला मिलाकर ढेर सारे प्रयोग किए और प्रयोग करते करते बना ही लिया अनेक प्रकार के संश्लिष्ट रबरों का उन्होंने संश्लेषण किया। अब संश्लिष्ट रबर को अब सीधे पूछा जाए क्या है, तो मानव निर्मित रबर है। प्रमुख संश्लिष्ट रबर कौन कौन है इसको अब हम देखते हैं। कृत्रिम रबर में सबसे पहले प्रमुख कृत्रिम रबर जो हमें देखने को मिलता है इसे हम जानते हैं, ऐसे बहुत हैं, लेकिन इनमें से जो हम आपको आपको बताने जा रहे हैं वो चार हैं। बुनाइन रबर, बुनाइस रबर, पॉलीस्टाइरीन, ड्यूप्रीन, नियोप्रीन, हायोकोल, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें से सबसे पहला हमारा बुनाइन रबर। बुनाइन रबर का नाम पर अगर हम गौर करें तो बुना एक्चुअली हम ब्यूटाडाइन का पॉलीमर, उसी से इसका नाम पड़ा है। तो एक वाक्य में हम इसको कह सकते हैं ब्यूटाडाइन का बहुलीकरण। ब्यूटाडाइन का क्या कराना है, बहुलीकरण। इसकी उपस्थिति में सोडियम की उपस्थिति में कराया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एन दिया। कराने पर, पॉलीमराइजेशन कराने पर बनता है हमारा बुना एन रबर, बी एन आर, बुना एन रबर। अब हम देखते हैं ब्यूटाडाइन किसे कहते हैं, और ब्यूटाडाइन का हमने कहा है कि बहुलीकरण कराते हैं तो बुना एन रबर बनता है। ब्यूटाडाइन किसको बोलते हैं, डाई ई एन है, ई एन ई और ब्यूट। ब्यूट शब्द का जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीनिंग जानते हैं तो पता वो हमें बताता है चार, तो इसमें चार कार्बन होंगे, चार कार्बन दे दीजिए, चार कार्बन दे दीजिए। उसके बाद देखिए ई एन ई, ई एन ई शो करता है डबल बॉन्ड, और डाई एन ई अर्थात दो जगह डबल बॉन्ड, तो दो जगह डबल बॉन्ड दे दीजिए। बच के कार्बन की वैलेंसी को आप उड़ा देना है, आपको क्या चार, यहां दो है, चार उड़ाने के लिए इधर एक एच, इधर एक एच। अब इस कार्बन पर दो और एक तीन है, एक एच, इस कार्बन पे एक एच, इस पे दो एच। ये ब्यूटाडाइन का एक मॉलिक्यूल है। एक और लीजिए, बहुलीकरण कराने के लिए तो ढेर सारा लेना पड़ेगा, लेकिन हम केवल दो से शुरू करते हैं। एक और ले लेते हैं एच सी और इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करा देते हैं, सोडियम की उपस्थिति में। पॉलीमराइजेशन होगा, बहुलीकरण होगा, कैसे होगा, क्या क्या होगा उसको देखिए, लिंक बनाया जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड आप इधर देख रहे हैं ये सी एच, ऐसे हो जाएगा सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच टू फिर सी एच डबल बॉन्ड, यानी आपको देखना क्या है फिर सी एच टू, कहने का सेंस है ये श्रृंखला आगे जारी है। ये देखिए ये सी एच टू इसका सी एच
CH2, CH2, CH, CH, यानी दो बार CH2, CH2 लगातार, दो बार CH, CH लगातार, जहां CH, CH वहां पर चला गया डबल बॉन्ड, और यही जो लंबी श्रृंखला है उनको यही कहलाता है गुना N रबर BNR। तो ये था हमारा गुना N रबर। हमसे पूछा जाए एक वाक्य में हम क्या उत्तर देंगे कि गुना N रबर क्या है, तो गुना N रबर ब्यूटाडाइन का पॉलीमर है, बहुलक है। ज्यादातर यही पूछा जाता है किसका बहुलक है गुना N के बाद। अब हम देखते हैं गुना S रबर को। कृत्रिम रबर में दूसरा जो प्रमुख रबर है हमारा गुना S रबर, यह बहुलीकरण से बन रहा है। एस फॉर एस्टाइलिन, एक तो रहेगा ही ब्यूटाडाइन, स्टाइलिन और ब्यूटाडाइन का जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो गुना S रबर हमें प्राप्त होता है। इसमें उत्प्रेरक की भूमिका कोई पर ऑक्साइड करता है, कार्बनिक पर ऑक्साइड विकसित होती है, कार्बनिक पर ऑक्साइड उत्प्रेरक की भूमिका में होता है। स्टाइलिन समझते हैं क्या है, ये बेंजीन रिंग, ये स्टाइलिन हो गया। और ब्यूटाडाइन हमने जिक्र किया था, इसका बहुलीकरण कराना है आपको परऑक्साइड की उपस्थिति में, और बस एडिशनल पॉलीमर के रूप में होता है। फिर आप वही आ जाइए यहां से, जहां होगा क्या, ये लिंक स्टाइरीन का लिंक इधर भी आएगा CH2CH, डबल बॉन्ड जो है ये केबल चेंज हो जाएगा पोजीशन अपना, यानी यहां जो है उधर चला जाएगा CH के साथ CH डबल बॉन्ड CH CH2, और रिंग दीजिए, और यही क्रम है बीच में ध्यान रखना है, ये दो के बाद फिर कई को वो, और ये हमारा कंटिन्यूअसली जारी रहेगा ये रिंग, यही कहलाता है हमारा गुना S रबर। प्राकृतिक रबर की तुलना में यह अत्यधिक ऊष्मा को बर्दाश्त करने का होता है। रबर के को देखते होंगे ज्यादातर उसमें विशेषता होती है कि थोड़ा गर्म करो थोड़ा थोड़ा मुलायम होने लगता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इसका और टायर जो बनता है घर्षण को उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करने का गुण जिसमें ज्यादा होगा तो उसका उपयोग टायर बनाने में होता है। तो इसका उपयोग टायर मोटर वाहनों के टायर बनाने में मुख्य रूप से किया जाता है। एक बहुत चर्चित कारखाना है SBR, यानी स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर या गुना S रबर कह लें, उसको बनाने का भिटौरा यूपी में है, जहां की सिंथेटिक स्टाइरीन गुना ब्यूटाडाइन रबर का निर्माण होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं रबर तीन नंबर तीसरा तीसरा हमारा है पॉलीएस्टाइरीन। नाम से ज्यादा तो देखिए एस्टाइरीन का बहुलक पॉलीएस्टाइरीन, थोड़ा सा हम समझते चले एस्टाइरीन बनता कैसे है, एस्टाइरीन का भी निर्माण देखते हैं। देखिए एस्टाइरीन बेंजीन है, या बेंजीन की अभिक्रिया आप कराइए इथिलीन से CH2 डबल बॉन्ड CH2 AgCl3 की उपस्थिति में आप कराते हैं, AgCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो पहले एक अनस्टेबल सब्सटेंस प्राप्त होता है, अनस्टेबल बीच में, इसको थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, अनस्टेबल तो ऐसे है ही, और जो अस्थाई हो थोड़ा सा और उसे अस्थाई कर दे, ये अनस्टेबल है अस्थाई है, थोड़ा सा हीट करेंगे आप तब यहां सिंगल बॉन्ड अनस्टेबल है। अब ये चेंज हो जाता है एस्टाइरीन, इसका एगो एक एच इससे एक एच इससे लेकर के H2 गायब हो जाता है और बच जाता है क्या हमारा एस्टाइरीन CH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम क्या कहेंगे एस्टाइरीन। तो अब जरा सा सोचिए कि हमसे पूछा जाए कि एस्टाइरीन का निर्माण कैसे होता है, तो बेंजीन की अभिक्रिया इथिलीन से जब हम कराते हैं
सिल्वर ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति लेकर आते हैं तो एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होता है जिसे गर्म करने के बाद स्टाइरीन प्राप्त होता है। और अब यह प्राप्त स्टाइरीन का बहुलीकरण करा दीजिए, बन जाएगा हमारा पॉली स्टाइरीन। स्टाइरीन का बहुलीकरण करा दीजिए, इसका बहुलीकरण करा दीजिए, यानी उसके एन अनुपुल CH डबल बॉन्ड CH2, इसका बहुलीकरण करा दे, पॉलीमराइजेशन करा दे, बस हो जाएगा हमारा। और एक फिर इसमें क्या है, दस जोड़े जमा है CH CH2 CH और इधर भी ऐसा मरीन बोल चल ही रहेगा। फिर आ गया CH2, फिर एक रिंग दीजिए, बस जहां तक हो फिर मैं करते रहिए, फिर आ गया। यानी इसमें हुआ क्या, तो दूसरे रिंग से कॉन्टेक्ट यानी कनेक्टेड होने के कारण इसका जो मल्टीपल बॉन्ड था वह गैप हो जाता है और इस प्रकार से यह एक चेन बनाता है एस्टाइरीन का, जिसे हम लोग पॉली एस्टाइरीन कहते हैं। यह भी काफी उपयोगी रबर है और इसके बहुत उपयोग होते हैं। यह ताप सुनम में प्लास्टिक है, ताप सुनम में प्लास्टिक है, कहने का संशय क्या कि यह हाँ गर्म करिए तो इसमें मुलायम हो जाता है, फिर ठंडा कीजिए कठोर हो जाता है, फिर गर्म कीजिए तो मुलायम हो जाता है, यानी गुणवत्ता इसकी बनी रहती है, कायम रहती है। और विद्युत उपकरणों में जो वायर के पोल बनाए जाते हैं या विद्युत रोधी जो बीच बीच में कहीं कहीं पे अगर विद्युत धारा को रोकने के लिए छोटे छोटे प्लास्टिक जो लगाए जाते हैं तो उसमें पॉलीस्टाइरीन का इस्तेमाल किया जाता है। काफी इसके उपयोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में होते रहते हैं, संचायक सील के केसेस जो होते हैं ऊपर से ठेपी टेपी बनाने में इसका उपयोग होता है। फिर बहुत सारे उपकरण जिसमें कि किसी एसिड को बेस को इस सब को स्टोर किया जाता है उसके ठेपी कीप इसके निर्माण में भी होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जब उसको ढक्कन लगाना होता है तो थोड़ा सा मुलायम कर दिया जाता है उसको लगा देने के बाद, तो जब वो ठंडा होगा तो थोड़ा सिकुड़ी का कठोर हो जाता है तो उसको ठीक से सील कर देता है। लेकिन जो ही फिर जब उसको खोलना होता है तो हल्का सा आप उसको फिर गर्म कीजिए खोल दीजिए, यानी गर्म होने के साथ उसको स्पेस मिलता है। इस प्रकार से यह काफी उपयोगी है इन क्षेत्रों में। तो ध्यान रखना हमका हमको आवश्यक लेबोरेटरी के में जो एसिड बेस इनका जो कीप बनता है, संचायक सील के जो कह सकते हैं ऊपर में जो उनका केस होता है वह, और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में जगह जगह पर जहां रोधी विद्युत रोधी आवश्यकता होती है और रोकने की, वहां पर हमारा पॉलीस्टाइरीन का काम होता है। ये था हमारा तीसरा। चौथा हम देखते हैं सिंथेटिक रबर में, चौथा हमारा ड्यूप्रीन रबर। ड्यूप्रीन रबर विनाइल एसीटेट की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्लोरोप्रीन बनता है, और क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण कराने पर, यदि हमसे पूछा जाए किसका बहुलक है ड्यूप्रीन, तो ड्यूप्रीन रबर बहुलक है क्लोरोप्रीन का बहुलक है, क्लोरोप्रीन का बहुलक। तो हमने जिक्र किया है विनाइल एसिटेट, दो शब्द आए, विनाइल समूह होता है CH डबल बॉन्ड CH2, एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी विनाइल आप इस दोनों को ले आइए, इस H को हटा करके और इस ये एसिटाइल समूह हो जाएगा और विनाइल समूह दोनों मिलकर के हो जाएगा विनाइल एसिटिलीन। विनाइल एसिटिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम जब कराते हैं तो क्लोरोप्रीन प्राप्त होता है। थोड़ा गौर करेंगे, सॉरी यहां पर डबल बॉन्ड होगा, ये क्लोरोप्रीन प्राप्त होता है और इस क्लोरोप्रीन का जब हम लोग कराते हैं तो हम
हमको ये ड्यूप्रीन प्राप्त हो जाता है। ये था ड्यूप्रीन की विशेषता होती है, इसमें ऊष्मा का प्रभाव कम पड़ता है, अर्थात इसको मुलायम करने के लिए आपको अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, और तैलीय पदार्थों का भी इस पर कम असर होता है, और इन दोनों विशेषताओं के कारण इसका इस्तेमाल टायर बनाने में किया जाता है। रबर के टायर, जो टायर तो सामान्य प्राय रबर के ही बनते हैं, लेकिन रबर में ड्यूप्रीन रबर का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि तैलीय पदार्थों पर या तेल से जब इस पर जाए फिसलन न हो, इसलिए और साथ साथ उसमें घर्षण हो तो उसमें उसको ऊष्मा को बर्दाश्त करने की क्षमता हो, तो ड्यूप्रीन का इस्तेमाल भी इस रूप में टायर बनाने में होता है। ध्यान में रखना है ड्यूप्रीन किसका अवलक है, क्लोरोप्रीन। अगला है रबर हमारा नियोप्रीन, केवल ये ध्यान में रखना है क्लोरोब्यूटाडाइन का बहुलक होता है। नियोप्रीन की विशेषता बहुत अद्भुत है, यह जल्दी जलता नहीं, ताप को झेलता भी बहुत है, जल्दी जलता भी नहीं, और इसके इस गुण के कारण हम लोग जो देखते होंगे अग्निशामक यंत्र के शामक वाले कर्मचारी जो होते हैं उनको जो बेल्ट जैकेट दिया जाता है तो प्राय नियोप्रीन का होता है। इसके अलावे कोयले की खान में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनका कन्वेयर बेल्ट होता है। कोयले की खान में काफी नीचे जाने के बाद वो मार्स गैस के स्पार्किंग से आग उग लग जाती है कभी कभी, तो उससे बचाव के लिए उनको जो कन्वेयर बेल्ट दिया जाता है वो कन्वेयर बेल्ट होता है नियोप्रीन का। तो हमें बहुत ध्यान में रखना है आग अग्निशामक कर्मचारी को उसका जो जैकेट होता है ये बना होता है नियोप्रीन का, और कोयले के खान में जो जाते हैं मजदूर काम करने के लिए उनको जो कन्वेयर बेल्ट मिलता है वो होता है बना हुआ नियोप्रीन का। इसका कारण क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं उसमें, क्योंकि यह जलता जल्दी नहीं है, ताप को झेलता भी है, जलेगा तो ऐसा थोड़े है कि जलेगा ही नहीं, लेकिन जल्दी नहीं जलता, ये हमने कहा है कि जल्दी नहीं जलता है, और इन विशेषताओं के कारण इसका इस्तेमाल इसमें होता है। तो ये नियोप्रीन में हम बस केवल दो बात महत्वपूर्ण है जो हमें ध्यान में रखना है, ये बहुलक किसका है और दूसरा इसकी विशेषता क्या है। थायोकोल रबर है हमारा अगला, और थायोकोल रबर का निर्माण होता है 1,2-dichloroethane, ईथेन के दो कार्बन को आप 2-chlorine से सब्स्टिट्यूट करा दें, इथेन है दोनों पर एक एक क्लोरीन दे दें, 1,2-dichloroethane होगा, और इसकी अभिक्रिया सोडियम परसल्फाइड या सोडियम पॉलीसल्फाइड बोलते हैं उसको, इससे जब आप कराते हैं तो दोनों का पॉलीमराइजेशन होता है, और पॉलीपर को हम यहाँ ध्यान रखना है जब केवल एक मोलेकुल इसका हम लेंगे तो परसल्फाइड के नाम देंगे, लेकिन जब इसका ढेर सारा हो जाता है तो इस कारण से इसको सोडियम पॉलीसल्फाइड भी कहते हैं। NaNa गायब हो गया है और बाकी देखिए SSCH2CH2 Na कहाँ चला गया, ये Cl के साथ मिलकर के लास्ट में एक सेकंड, तो उसको हम लोग इसलिए नहीं लिखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली जो मूल उत्पाद होता है उसके अलावे जो सेकेंडरी उत्पाद होता है रिएक्शन में लिखना उसकी जरूरत उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से NaCl बाई प्रोडक्ट फिर पे प्राप्त हो जाता है और एक बहुलक जो हमें मिलता है यह है हमारा थायोकोल रबर। थायोकोल रबर की बहुत बड़ी विशेषता है जो हमारा प्रक्षेपास्त्र मिसाइल जो बनाया जाता है पोलरिश मिसाइल उसके ईंधन में इसको मिला इसका इस्तेमाल होता है। ईंधन का निर्माण जो होता है उसमें पोलरिश मिसाइल के ईंधन में थायोकोल रबर का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है, हमको पूछता है कि इस रबर का निम्न में से किसका, तो ऊपर सब वाले हमने देखा उसका नहीं, थायोकोल को ध्यान में रखना है, थायोकोल रबर है क्या, और थायोकोल रबर 1,2-dichloroethane और सोडियम पॉलीसल्फाइड का बहुलक है। अब इस प्रकार से अब हमारा सबसे लास्ट है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, सातवां है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाम से ही है विनाइल क्लोराइड के आगे पॉली लगा है तो नाम से स्पष्ट करता है कि विनाइल क्लोराइड का बहुलक है।
विनाइल क्लोराइड, विनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है CH डबल बॉन्ड CH2 मोनोवैलेंट है, और क्लोराइड Cl दोनों मिला दीजिए विनाइल क्लोराइड, इसके N मॉलिक्यूल्स परऑक्साइड की उपस्थिति में बहुलीकृत होते हैं और बहुलीकृत होकर के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इस रबर की विशेषता है काफी पतला पतला इसके पत्थर बनाए जा सकते हैं। अपनी इस विशेषता के कारण हम लोग जो फिल्म करने का तरह है यहाँ पे कैमरा के रील होते हैं जिस प्रकार से, या फिर जो बहुत पतली पतली फिल्म होती है, तो उसमें इसको विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके पतला स्तर पतला पत्थर प्राप्त हो जाता है, सुगमता से यह पतले पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा बहुत तरह के खिलौने इलेक्ट्रॉनिक सामान में इसका उपयोग होता है, लेकिन मूल रूप से हमें ध्यान में यह रखना है कि जो अगर यदि मुझे पूछा जाए कि फिल्म के निर्माण में पतले रील के निर्माण में किसका इस्तेमाल होता है रबर का, तो उत्तर हमारा होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये था हमारा कृत्रिम रबर, संश्लिष्ट रबर, इसकी कहानी थी गुनाइन रबर, गुनाइस रबर, स्टाइलिंग, पॉलीस्टाइलिंग, उसके बाद हमने ड्यूप्रिन देखा, उसके बाद नियोप्रिन, थायोकॉल, ये सब जो है सो हमारा, और लास्ट था पॉलीविनाइल क्लोराइड। थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होता है उसका क्या कहते हैं कि बहुलक किसका बहुलक कौन है। इसके बाद एक बात और आती है, रबर का बल्कनीकरण, रबर का गंधकीकरण। पूछा जाता है रबर का बल्कनीकरण किसे कहते हैं। रबर का बल्कनीकरण शब्द का अर्थ समझिए, बल्कनीकरण इसको हम अभी कहते हैं गंधकीकरण। रबर का बल्कनीकरण को रबर का गंधकीकरण भी कह सकते हैं। रबर में गंधक मिलाकर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को रबर का बल्कनीकरण कहते हैं, यानी रबर में गंधक मिला इससे उसकी मुलायम जो व्यक्ति है इसमें परिवर्तन होता है, यानी उसकी गुणवत्ता में विकास होता है, इसलिए रबर का बल्कनीकरण कहते हैं। ये हमारा एक छोटा मोटा सारांश था कृत्रिम रबर, प्राकृतिक रबर का, और एक निवेदन है कि आप कम से कम इसमें से रबर के जो किसके कौन बहुलक है, यानी किसका बहुलक रबर है, इसको जरूर ध्यान में रखें। प्राकृतिक रबर किस के संदर्भ में कुछ ज्यादा ध्यान में रखें, और उसके उपयोग जो मूल रूप से है, जैसे पोलारिस मिसाइल में किसका होता है, कैनवेयर बेल्ट के रूप में किसका होता है, फिल्म के रूप में किसका होता है, टायर किसके बनाए जाते हैं, ये सब थोड़ा सा ध्यान में हमें रखना है। संभव है तो ये जो केमिस्ट्री के जो और जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखे जाते हैं उसका हम अगर गहराई से अध्ययन करें तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर करें कि रबर में किस रबर का एकलक कौन है और कोई रबर किसका बहुलक है, ये हमें ध्यान में रखना है। इसी अपेक्षा के साथ कि आप जरूर इसे ध्यान में रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।